आर्यन खान के साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का नाम शामिल है। लेकिन ये मुनमुन धमेचा कौन है और इनके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? मुनमुन धमेचा का अगर आप सोशल मीडिया देखें तो ये बात सामने आती है कि वो मॉडल हैं। उनको रैंप वॉक जो है उनकी कई तस्वीरें हैं जो उन्होंने रैंप वॉक करते हुए शेयर की है। इसके अलावा जो है कई विज्ञापन में वो काम कर चुकी हैं। वो एक फैशन मॉडल हैं जो एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। मुनमुन 39 ईयर की हैं और 3 अक्टूबर को 2 बजे दोपहर को उनकी अरेस्ट की गई। रिपोर्ट्स के माने तो मुनमुन मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली हैं, वहीं पली बड़ी हैं और वहीं से ही उनका स्कूल भी हुआ है। कुछ महीनों पहले उनके मदर का निधन हुआ था और अपनी माँ को खोने के कुछ महीने पहले वो अपने पिता को खो चुकी हैं जिनका नाम अमित कुमार धमेचा था। उनका एक भाई है प्रिंस धमेचा जो कि दिल्ली में रहता है। मुनमुन की स्कूली शिक्षा सागर यानी कि मध्य प्रदेश में ही पूरी हुई है। सागर जिले में बहुत कम लोग मुनमुन के बारे में जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो 6 साल पहले ही अपने भाई के साथ दिल्ली में रहने लग गई थी और कुछ महीने वो भोपाल में भी रही। इंस्टा पर मुनमुन के 10,000 फॉलोवर्स हैं। उनको कोई भी सेलिब्रिटी फॉलो नहीं करता लेकिन वो कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हैं। 22 सितंबर का उनका लास्ट पोस्ट है तो आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा इनको भी अरेस्ट किया गया था। अब इन तीनों की रिमांड जो है 7 अक्टूबर तक NCB को दे दी गई है।